बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम फजर किचन में बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट शवारमा ब्रेड। जो आप बाजार से लेते हैं वो बसानी आप शवारमा ब्रेड घर में तैयार कर सकते हैं। तो अब चलें बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अमेजिंग शवारमा ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटिया ब्रेड यानी के शवारमा ब्रेड बनाने के लिए हमने मैदा ले लिया है, ये वाले 3 कप ले लिए हैं। और मैदे को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से छन्नी की मदद से छान लिया है ताकि जो भी लम्स हैं वो निकल जाएं। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी, 1 टेबल स्पून ईस्ट यानी कि खमीर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 3 टेबल स्पून ऑयल। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अब इसमें ऐड करेंगे पानी। साथ साथ पानी ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे। और एक हम डो तैयार करेंगे, ना इतनी सख्त हो और ना ही इतनी नरम हो। इस तरह से हम आटे को पंच मारेंगे अच्छे तरीके से। डो को हमने अच्छे तरीके से गून लिया है। अब डो को उठाएंगे और नीचे अच्छे तरीके से ऑयल ग्रीस कर लेंगे जिस बर्तन में आपने डो को रखना है। इस तरह से हमने डो के ऊपर भी ऑयल ग्रीस कर दिया है। अब ऊपर से कवर कर देंगे और अब हम 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे डो को ताकि ये डो अच्छे तरीके से फूल जाए। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। देख सकते हैं आटा बहुत ही अच्छे तरीके से राइस हो चुका है। अब इसको हम पंच मारेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमने रोल किया इसको। अब इसको हम कट करेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे, पीसेस हमने कर लिए हैं इस तरह से, इस तरह आप नॉर्मल चपाती के पेड़े बनाते हैं। इसी तरह से हम तमाम पेड़े बना लेंगे। इस तरह से हमने एक पेड़ा ले लिया है, इसको हम इस तरह से साइडों से पतला कर लेंगे हल्का हल्का और बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। हल्का सा हमने ऑयल लिया है इसके ऊपर ताकि चिपके ना बेलन के साथ। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। एक फ्राई पैन ले लिया है और इसके नीचे हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब जो हमने बेली हुई रोटी इसके ऊपर ऐड करेंगे। रोटी को हमने फ्राई पैन के ऊपर डाल दिया है। अब मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको भी हम बेल लेंगे इस तरह से। बहुत पतला नहीं करना, हल्का सा मोटा रखना है। अब हल्की सी बुलबुलियां आने शुरू हो चुकी हैं। प्योर में ब्रेड को हम पलट लेंगे इस तरह से, इस तरह से हम करेंगे। और अब इसको हम पलट लेंगे। ये वाली माशाल्लाह शवारमा ब्रेड तैयार हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तैयार हुई है। अब हम दूसरा ब्रेड शवारमा ऐड करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। अब इस हम ब्रेड शवारमे को पलट लेंगे इस तरह से।
अब इसे हम ब्रेड शवारमे को पलट लेंगे। माशाल्लाह ये भी तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह ये भी शवारमा ब्रेड तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसी तरह से हम तमाम ब्रेड शवारमे तैयार कर लेंगे। शवारमा ब्रेड तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तैयार हुई है और कितनी नर्म, आप देख सकते हैं इतनी सॉफ्टनेस। आप इस शवारमे को जरूर ट्राई कीजिएगा, यानी कि शवारमे ब्रेड को। हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सके। रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।